हेलो स्टूडेंट, आई एम दीप्ति बंसल, योर आईटी टीचर। दिस वीडियो इज फॉर क्लास नाइन्थ। आईटी 402 के सिलेबस में आईटी को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें हमारी बुक का जो पहला पार्ट है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स हैव ऑल्सो फाइव सेशन। सेशन फर्स्ट इज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर फर्स्ट सेशन ऑफ यूनिट फर्स्ट। बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉट आर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेट डिस्कस वॉट इज कम्युनिकेशन इन ब्रीफ। वी शेयर आइडियाज फीलिंग विद पीपल अराउंड अस। हमारे आसपास जितने भी पीपल होते हैं, हम उनके साथ अपने आइडियाज या अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। दिस शेयरिंग कैन बी एक्सप्रेस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन और यूजिंग एनी लैंग्वेज। शेयरिंग अपनी आइडियाज और फीलिंग्स की हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन या किसी भी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग एंड इवन अंडरस्टैंडिंग। जो हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, यही क्या है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सुनना, बोलना, ऑब्जर्व करना और किसी भी चीज को समझना, ये सब हमारी कम्युनिकेशन में है। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी हम अगर किसी को कोई फैक्ट बताते हैं या न्यूज बताती हैं, या हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या फिर अपनी फीलिंग से कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। द मीडियम फॉर कम्युनिकेशन कैन बी फेस टू फेस इंटरेक्शन, फोन कन्वर्सेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन लाइक ईमेल एंड सोशल मीडिया। फेस टू फेस इंटरेक्शन, फोन के जरिए बात करना या डिजिटल कम्युनिकेशन पे, ईमेल, सोशल मीडिया, इनके थ्रू हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, दो या दो से अधिक लोग आपस में कुछ मीनिंगफुल सिग्नल्स या सिंबल के थ्रू अपनी फीलिंग्स या आइडियाज को एक्सचेंज करें तो वो एक कम्युनिकेशन है। अगर प्यूपिल फोन के थ्रू आपस में बात कर रहे हैं या ईमेल्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम अपनी डेली लाइफ में भी जब हम किसी से बात करते हैं फोन पे, या हम फेस टू फेस भी किसी से किसी भी टॉपिक पे या किसी भी न्यूज पे बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन, कि हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, एंड रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जाम्पल ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। मीन्स जो कम्युनिकेशन है वो एक टू वे प्रोसेस है। अगर हम स्पीकिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, तो ये मतलब जो कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल है वो है जिसमें हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जबकि अगर हम रीडिंग कर रहे हैं और लिसनिंग कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है कि हम किसी से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। द पर्सन हु सेंड्स द इन्फॉर्मेशन इज द सेंडर, एंड द पर्सन और ग्रुप हु रिसीव द मैसेज इज द रिसीवर। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, तो जो रेड वाला है वो क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या है, हमारा सेंडर। और जो ये पर्पल में है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, तो ये है हमारा रिसीवर। एक कम्युनिकेशन तभी सक्सेस हो पाती है या फिर जब ही लाभदायक होती है, जब दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही बात को समझें। कम्युनिकेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एक इंफॉर्मेशन है वो क्या हो, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो रिसीवर और सेंडर दोनों को ही समझ में आए। I hope now all are understood about what is communication. Now we are going to discuss about modes of communication or method of communication, means communication ke tarike. There are three methods of communication. First verbal, second non-verbal and third is visual. Our first topic is what is verbal communication. Verbal communication is any communication that uses words to share information with others. These words may be both spoken and written.
वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम दूसरों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए शब्दों को यूज करते हैं, और जो ये शब्द हैं ये स्पोकन और रिटन दोनों हो सकते हैं। मींस जो हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं उसको हम बोलकर भी और लिखकर भी दोनों तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी इन बोथ फॉर्म, ओरल और रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन अपनी थॉट्स को कन्वे करने का सबसे फास्टर और इजियर मेथड है। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्बल कम्युनिकेशन ही एक सक्सेसफुल तरीका है कम्युनिकेट करने के लिए। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्पीकिंग विद समवन आइदर फेस टू फेस और थ्रू फोन, वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर मीडियम। ओरल कम्युनिकेशन में हम बोलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो फेस टू फेस या किसी फोन के थ्रू या वॉइस चैट से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई भी अदर मीडियम जिसके थ्रू हम बोल के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो आता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। द एलिमेंट दैट मेक्स द कम्युनिकेशन इफेक्टिव आर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, वोकैबुलरी, जनरल अवेयरनेस, डोमेन नॉलेज एंड लिसनिंग। हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, मीन्स कि आप अपनी लैंग्वेज में कितने सक्षम हैं या योग्य हैं। वोकैबुलरी मीन्स आपकी शब्दावली कैसी है। जनरल अवेयरनेस मतलब आप जिसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बारे में आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। ये सब भी आपके मेन एलिमेंट्स हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, जैसे अगर हम किसी मीटिंग में बैठे हैं या हम अपनी क्लास में अपने लेक्चर्स ले रहे हैं तो वो क्या है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल में जैसे हम कोई गॉसिप कर रहे हैं या फिर कोई र्यूमर्स अगर हम घर में बैठ के अपने फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो वह इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन में आता है। ओरल कम्युनिकेशन केवल हमारी क्लैरिटी ऑफ स्पीच, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड इसी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम कैसे अपने विजुअल क्लूज दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है। ओरल कम्युनिकेशन करते टाइम हमें कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए। जब भी हम ओरल कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो हमको इतना तेज भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हम उसे डरा रहे हैं, और ना ही इतना सॉफ्ट बोलना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हम बहुत शाय हैं या फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं। मींस हमारी वॉल्यूम ना ही ज्यादा लाउड और ना ही ज्यादा लो होनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, क्विक इन ऑब्टेनिंग फीडबैक। जो ओरल कम्युनिकेशन होती है उसमें फीडबैक हमें एकदम से मिल जाता है, क्योंकि जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो जस्ट हमारे सामने होता है, क्योंकि हम फेस टू फेस या फोन के थ्रू उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें बहुत जल्दी ही हमारा फीडबैक मिल जाता है। सेकंड, टाइम सेविंग। जब हमें रिस्पांस जल्दी मिल जाता है तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है, तो ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग भी है। थर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। ओरल कम्युनिकेट करते समय आपको पेपर की, पेन की किसी की नीड नहीं होती है, इससे आपका एक्सपेंस कम होता है। ओरल कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव होती है। इसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स भी इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम अगर किसी को शाबाशी देना चाहते हैं तो अपनी वॉइस, पिच और वॉल्यूम के थ्रू इजीली उसको ऐसा फील करा सकते हैं कि हम उससे काफी खुश हैं। द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर, फर्स्ट, हैड नो लीगल वैलिडिटी। जो ओरल कम्युनिकेशन है उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। जैसे अगर हमने किसी को कोई भी चीज अपनी एक वीक के लिए दी और उसने हमें प्रॉमिस किया कि वो उसको एक वीक के बाद वापस कर देगा, और यह सब जितनी भी हमने ये बात की है, प्लानिंग की, वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन में ही होती है, तो वह कल मना भी कर सकता है कि इस बारे में आपसे उसकी कोई बात नहीं हुई और आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है रिटर्न में, तो
आप अपनी बात को प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस केस में जो ओरल कम्युनिकेशन है वो काफी हार्मफुल हो सकती है। सेकंड, इमोशंस और रिएक्शंस आर नोटिसेबल एंड हैंस कैन बी मिसअंडरस्टूड। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे इमोशंस और रिएक्शंस भी नोटिस होते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा मूड किसी और चीज से खराब होता है और उस समय हम किसी और से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हमारे रिएक्शन से लगता है कि हम उसी की बात से या फिर हम उस पर गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो कभी कभार जो सामने वाला होता है वो हमारी बात को मिसअंडरस्टूड भी कर लेता है। ओरल कम्युनिकेशन हमें कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कराता अगर हमने अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं किया है तो। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट सुइटेबल फॉर लेंथी मैसेज। बहुत लंबी कम्युनिकेशन के लिए भी ओरल कम्युनिकेशन इतनी सुइटेबल नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, ओरल कम्युनिकेशन में हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी आती है कि जैसे अगर हम बात करें कि किसी की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं या अलग अलग कल्चर होता है तो उससे भी हमारी कम्युनिकेशन अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन मेमोरी की एक लिमिटेशन होती है कि हम किसी भी मैसेज को फुल कॉन्टेक्स्ट के साथ बहुत टाइम तक याद नहीं रख सकते। तो अगर हमने किसी से ओरल कम्युनिकेट किया है और वो भी उसी को किसी और को बता रहा है तो ये पॉसिबल है कि वो हमारे बताए हुए मैसेज को एज इट इज ना बता के अपने साथ अपने पास से हम कुछ वर्ड्स को ऐड कर दे या कुछ वर्ड्स को वो छोड़ दे। तो इससे हो सकता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन का मीनिंग है वो चेंज हो जाए, तो इससे क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्परेंसी, हमने बताया कि ओरल कम्युनिकेशन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो यहाँ पे हायर चांसेस होती हैं कॉन्स्परेंसी की। जैसे कोई रिकॉर्ड नहीं है तो जो आपका सेंडर है या रिसीवर है वो जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको अपने मोटिव को कम्प्लीट करने के लिए उसको किसी और मीनिंग में कर सकता है चेंज, और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है उसका, तो इसलिए वहां पे ये एक हार्मफुल रहता है।